मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगी। मित्रों, एक कथा के अनुसार एक ग्वालिन थी और वह दूध दही बेचकर अपना जीवन यापन करती थी। वह गर्भवती थी। एक दिन जब वह दूध बेचने जा रही थी, उसे प्रसव का दर्द शुरू होने लगा और वह जमीन पर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और वहीं पर उसके एक पुत्र का जन्म हुआ। लेकिन ग्वालिन को दूध खराब होने की चिंता होने लगी, इसलिए अपने पुत्र को पेड़ के नीचे सुलाकर वो गांव में दूध बेचने चली गई। उस दिन हलषष्ठी व्रत था, सभी को भैंस का दूध चाहिए था, लेकिन ग्वालिन के पास केवल गाय का दूध था। उसने झूठ बोलकर सभी को भैंस का दूध बताकर पूरा गाय का दूध बेच दिया। इससे हरछट माता क्रोधित हो गई और उसके पुत्र के प्राण हर लिए। जब ग्वालिन उस पेड़ के नीचे आई तो उसने देखा कि बच्चा मरा पड़ा है। उसे अपनी करनी पर बहुत पछताना पड़ा और उसने गांव में जाकर सभी के सामने अपने गुनाह को स्वीकार किया। सभी से पैर पकड़कर क्षमा मांगी। उसने इस तरह से विलाप को देखकर उसे सभी ने माफ कर दिया, जिससे हरछट माता प्रसन्न हो गई और उसका पुत्र जीवित हो गया। तब से ही पुत्र की लंबी उम्र के लिए हरछट माता का व्रत एवं पूजा किया जाता है।